पुलिस लाइन सोलन के समीप कांस्टेबल की शरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस संदर्भ में दो युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन के समीप ड्यूटी ऑफ कर जब कांस्टेबल बाबूराम वापस घर जा रहा है तब उसका झगड़ा ऑटो चालक से हो गया और झगड़ा काफी समय तक चलता रहा। फिर उसके बीच में हाथापाई होने लगी और इस हाथापाई में बाबूराम दीवार से नीचे गिर गया। गिरने से उसके सर पर गहरी चोट आई और जब उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बहसबाजी किस वजह से हुई है, लेकिन पुलिस हर पहलू पर गहनता से पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल बाबूराम छुट्टी कर अपने घर जा रहा था तो उसका किसी बात को लेकर दो व्यक्तियों से झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान मारपीट में कांस्टेबल दीवार से नीचे गिर गया। जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि बाबूराम की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हत्या किन कारणों से हुई है और उनकी क्या मंशा थी, इस बारे में जांच की जा रही है। लगभग 8:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि एक हमारा HHC जो कि पुलिस लाइन सोलन में पोस्टेड हैं, HHC बाबूराम जी, ये जो हैं पुलिस लाइन के साथ नीचे डंगे के नीचे गिरे हुए हैं, जिसपे तुरंत जो है वहाँ लोकल जो ट्रैफिक हमारी जो मोबाइल रहती है वो लोग तुरंत वहाँ पहुँचे तो पाया कि ये बाबूराम जी जो हैं वो नीचे डंगे से नीचे गिरे हुए हैं। इस पे तुरंत इनको फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल लाया गया जहां पे अनफॉर्चुनेटली इनको ब्राउट डेड डॉक्टर द्वारा डिक्लेयर किया गया। प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन पे पाया गया कि दो व्यक्तियों ने जिनके साथ इनकी कुछ कहा सुनी हुई और उनके साथ मारपीट करके उनको डंगे से नीचे जो है धक्का दे दिया। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें पाई जा रही है। दो व्यक्तियों को इसमें डिटेन किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन मामले में चल रही है। ये ऑनरेरी हेड कांस्टेबल हैं और पुलिस लाइन सोलन में पोस्टेड हैं, अभी ये ड्यूटी पे नहीं थे। जिन लोगों को हमने डिटेन किया है ये दोनों ऑटो चालक हैं और यहीं सोलन के रहने वाले हैं। इनमें से एक व्यक्ति का नाम अरुण है और दूसरे व्यक्ति का नाम जो है वीरेंद्र है और ये दोनों जो हैं ऑटो चालक हैं।